कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के गांधी टोला में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई, जहां दहेज लोभी ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर डाली और शव को छुपाने के लिए नदी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ससुराल वालों ने इलाके में ये अफवाह फैला दी कि विवाहिता ने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के 6 साल के बेटे ने परिजनों को मां की हत्या की पूरी कहानी बताई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतका के परिजनों ने सड़क पर उतरकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दहेज के मामला में हम लोग जानते थे कि दहेज मांगता है, और एगो घटना किया है कि मेरा बेटा के तू कर दिया है, यही बोल बोल के मेरा बेटी के मार दिया है। तो क्या समझता था? जान मार दिया। ओझा गुनी उसको साथ जी है, यही कारोबार करता है सब दिन, डायने जोगिन डायन जोगिन करता है। उसको बेटा हर हमेशा बीमार रहता है, कहता मेरा बेटी के कि तू ही डायन है, तू ही डायन है। वो मामा के बुलाया, मामा के बुला के झाड़ फूक किया। उसको मामा जो है कहा कि यही घरे वाला किया है, तो मेरा बेटी पर शक धर के मेरा बेटी के मार दिया। जा मम्मी को राज का पापा राज का मम्मी ने टीडा पे गंगा जी में फेंक दिया। तुम देखा था? हाँ। कब? अभी तो रात में देखे थे फेंकते। तो तुम रोका नहीं? बोलता ना कि इसको रोकेगे ना तो तुमको जान मार देंगे। मम्मी पापा में झगड़ा होता। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की तलाश की, लेकिन अभी तक पुलिस को विवाहिता का शव नहीं मिल पाया है और विवाहिता के शव की तलाश की जा रही है। उस मामला में लड़की शीला देवी की मां की लिखित रिपोर्ट पर केस हुआ है, जिसमें आरोप लगाई है कि उसका पति सचिन और उसकी सास मौनी देवी और 3-4 लोग घर के मिल करके उसका कहीं अपमान कर करके और उसको लाश को गंगा नदी में, पुलिस द्वारा इस संबंध में काफ़ी कार्रवाई की गई। सरकारी स्तर पर वोट मंगाकर उसका छानबीन करवाया गया, झगड़ा लगाया गया, उसके लाश का पता नहीं चल पाया है। और इस मामले में 2 व्यक्तियों को के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।